ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय। आज इस अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है कर्मयोग। प्रथम श्लोक अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिर्जनार्दना तत्किं कर्मणि घोरेमा नियोजयसि केशवा। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिर्जनार्दना तत्किं कर्मणि घोरेमा नियोजयसि केशवा। अर्जुन ने प्रश्न पूछा ज्यायसि चित कर्मणस्ते ज्यायसि यानी श्रेष्ठ कर्मण्य यानी कर्म से ते आप मत्ता आपने मत व्यक्त किया है आपके दृष्टि में मत्ता बुद्धिर जनार्दना हे जनार्दन आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं तत् फिर किम क्यों कर्मणि कर्मों में घोरे माम मुझे इस घोर कर्म में नियू जयसी केशव हे केशव यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर कर्म यानी युद्ध में क्यों नियोजित करना चाहते हैं। यानी कि भगवान की बात को पिछले अध्याय में अर्जुन ने ठीक से नहीं समझा। अर्जुन के मन में जो धारणा है कि ये युद्ध करना पाप कर्म है घोर कर्म है अभी भी मिटा नहीं है। यद्यपि भगवान ने कई तरीके से समझाने का प्रयास किया लेकिन अभी भी वही धारणा बनी हुई है। क्योंकि भगवान ने पिछले अध्याय में कई बार ऐसे ऐसे वचन कहे जिसे सुनकर अर्जुन मोहित हो गया। एक बार भगवान ने कहा कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन तुम कर्म करो तुम्हें कर्म करने का अधिकार है योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय कुरु कर्माणि। और साथ साथ भगवान ने कहा कि दूरेण हिवरम कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छा कृपणा फल हेतवा। तो एक प्रकार से अर्जुन ने कन्फ्यूज्ड हुआ। अर्जुन को लगा कि भगवान एक बार कहते हैं कि कर्म करो युद्ध करो और एक बार कहते हैं बुद्धौ शरणम अन्विच्छा तुम बुद्धियों का आश्रय लो यानी कि एक प्रकार से निष्क्रिय अवस्था। यानी अर्जुन के मन में एक गलत धारणा बैठ गई कि आध्यात्मिक जीवन जो अध्यात्म की जो सर्वोच्च अवस्था है वहाँ व्यक्ति को कुछ नहीं करना होता। क्योंकि इस अध्याय का जब भगवान ने समापन किया ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ नैनम प्राप्त विमुह्यति कि ब्रह्म स्थिति यानी आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त व्यक्ति सम दुखे सुखे कृत्वा लाभा लाभो जया जयु ततो युद्धाय युज्जस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। ऐसे कई श्लोक में जब भगवान ने कहा कि तुम युद्ध करो साथ ही साथ भगवान ने कहा सुख और दुख में संभाव में स्थित रहो ब्रह्म निर्वाण मिच्छति ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करो आध्यात्मिक स्थिति में अवस्थित रहो। तो अर्जुन को लगा शायद आध्यात्मिक स्थिति यानी कि कुछ नहीं करना
एक प्रकार से भगवान ने कहा कर्म करो, एक प्रकार से कहा अपने को आध्यात्मिक स्थिति में अवस्थित रखो। तो अर्जुन ने कहा कि फिर यदि आध्यात्मिक स्थिति बुद्धि योग श्रेष्ठ है तो फिर मैं ये घोर कर्म क्यों करूं, मैं कर्म ही क्यों करूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस बैठकर ध्यान करूंगा, बस माला जपूंगा और कुछ नहीं करूंगा। लेकिन उसे पता नहीं कि आध्यात्मिक स्थिति में भी व्यक्ति को सक्रिय रहना चाहिए, उसे कई कार्य करने पड़ते हैं। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं, हे जनार्दन, हे जनार्दन, हे केशव, हे केशव, यदि आप बुद्धि योग को कर्म योग की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हैं तो आप मुझे इस युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों नियोजित कर रहे हैं। तो कर्म कोई घोर कर्म और सौम्य यानी कि मृदु सॉफ्ट ऐसा कुछ नहीं, जो कार्य करने से भगवान की सेवा होती है वो कार्य श्रेष्ठ है। जैसे अर्जुन के लिए युद्ध करना, ये कोई सामान्य युद्ध नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत युद्ध नहीं है, ये धर्म और अधर्म के बीच युद्ध है। तो अर्जुन को पहले ही भगवान समझा चुके हैं कि तुम बिना किसी अपनी लाभ के और हानि का विचार किए केवल तुम अपने कर्तव्यों का पालन करो। जैसे मानो कोई पेशेंट है दर्द से कराह रहा हो और सामने ही कोई डॉक्टर है, उसके पास मेडिसिन भी है और वो डॉक्टर भी उस बीमारी से अवगत है लेकिन फिर भी कुछ नहीं करता। यदि कुछ नहीं करता तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो दंडनीय नहीं है। यदि वो डॉक्टर है, उसे पता है बीमारी के बारे में और उसके पास दवाई भी उपलब्ध है, तो यद्यपि पेशेंट मांगे या ना मांगे उसको स्वयं आगे होकर उपचार करना चाहिए। दूसरा उदाहरण, मानो पुलिस से अपेक्षा की जाती है कि कहीं भी उपद्रव है और वो खड़ा है वहाँ पर, तो उसको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उसी प्रकार एक क्षत्रिय से अपेक्षा की जाती है कि इस प्रकार के धर्मयुक्त युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग ले, धर्म की स्थापना में सहयोग करे। तो अर्जुन जिस युद्ध को घोर कर्म, भयानक कर्म समझ रहा है कि मेरे स्वजन मारे जाएंगे, मेरे परदादा मारे जाएंगे, गुरुजन मारे जाएंगे, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, नहीं, यदि युद्ध नहीं करेगा तो वो घोर कर्म होगा, क्योंकि युद्ध नहीं करने के कारण ऐसे आतताइयों की शक्ति में वृद्धि होगी, समाज में अधर्म फैल जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप ये सारे कौरवगण नर्कगामी होंगे और पूरे समाज में उच्च श्रृंखलता का वातावरण निर्मित होगा। तो अर्जुन युद्ध को करना घोर कर्म समझता है, लेकिन श्री कृष्ण युद्ध नहीं करने को घोर कर्म समझते हैं। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया ये डॉक्टर और पुलिस का, तो ये हो सकता है निष्क्रिय हो और सोचे कि मैं कोई कर्म नहीं कर रहा हूँ। तो यद्यपि बाहरी तौर पे दिखाई दे रहा है कोई कर्म नहीं करते, लेकिन इस कर्म न करने के कारण ये दंडित होंगे। तो कर्म नहीं करना कर्म बंधन से मुक्ति का उपाय नहीं है। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए आपको भगवत चेतना में रहकर कार्य करने होंगे। इस श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा, जायसि चित कर्मणस्ते बुद्धिर मत्ता बुद्धिर जनार्दना तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे केशव, हे जनार्दन, जन नाम का एक असुर हुआ, भगवान ने उसका अर्दन किया, उसको नियंत्रित किया था, और केसी नाम का एक असुर हुआ भगवान ने, ये आखिरी असुर था जिसे कंस ने भेजा था श्री कृष्ण को मारने के लिए, और श्री कृष्ण ने खेल खेल में इस केसी को मारा, सीधे वो जाके कंस के महल पे गिरा, गोकुल में मारा और गया कहाँ, कंस के पास। भगवान ऐसे करते हैं लीलाएं। तो अर्जुन कह रहा है कि आप ऐसे असुरों का दमन करने वाले हैं, उनका वध करने वाले हैं, और आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। भगवान ने कुछ उत्तर नहीं दिया, तो अर्जुन को लगा शायद भगवान ने मेरे प्रश्न को समझा नहीं। तो अगले श्लोक में और अपनी बात को स्पष्ट करते हुए अर्जुन, व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम् आप्नुयाम्। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य
ये न श्रेयो हम अपनुया व्याम श्रेणे वाक्य न मिश्र यानी कि मिला हुआ व्याम मिश्रेणा यानी विशेष रूप से मिश्रित वाक्य न आपके वाक्यों से आपके वचनों से आपके ऐसे अनेक अनेक अर्थों वाले वचनों को सुनकर बुद्धि मोह यसीव में मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। क्या करूं क्या नहीं करूं मैं निर्णय नहीं ले पा रहा। आपने पिछले अध्याय के 47वें श्लोक में कहा कि कुरु कर्माणि और अगले श्लोक में आपने कह दिया कि तुम बस शांति में स्थित रहो शांत रहो सम बुद्धि से युक्त हो जाओ बुद्धो शरणम बुद्धि की शरण में जाओ। तो व्याम श्रेण वाक्य न बुद्धि में मोह यसीव में तद एकम फिर आप तद मीन्स उनमें एक बात निश्चित्यम निश्चित करके बदा बदा मीन्स कहें उन दो बातों में से कि कर्म करूं या बुद्धि की शरण लूं उसमें से दोनों में से कोई एक आप निश्चित करके मुझे बताएं जिससे ये ना श्रेयो अहम अपनुयाम जिससे मेरा परम कल्याण हो। यद्यपि भगवान अर्जुन को मोहित नहीं करना चाहते लेकिन अर्जुन पहले ही से ही मोहित है। तो जैसे ही हम पहले से किसी धारणा में रहते हैं तो फिर हम गुरु और वैष्णव की बात को ठीक ठीक नहीं समझ पाते हैं यानी उनके आशय क्या है कुछ कहने का हम पहले ही हमने आप एक धारणा बना ली है। तो उस धारणा जैसे अर्जुन ने पहले ही धारणा बना लिया युद्ध करना घोर कर्म है पाप कर्म है मुझे युद्ध नहीं करना। तो यद्यपि भगवान ने पहले भी कहा कि बुद्धि योग में भी व्यक्ति को सक्रिय रहना पड़ता है यानी कि आध्यात्मिक चेतना में लीन रहने वाला व्यक्ति भी निष्क्रिय नहीं रहता बल्कि वो भी सुबह उठता है कई प्रकार की सेवाएं करता है सामान्य संसारी व्यक्ति से कम खाता है कम सोता है और ज़्यादा सेवा करता है। जैसे हमारे जो षट गोस्वामीगण हैं वृंदावन के रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बड़े बड़े उच्चस्थ पदों पर स्थित थे लेकिन सारे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का पद त्याग कर ये वृंदावन में सोते नहीं थे सोने के लिए नहीं गए थे ब्रज की परिक्रमा करते थे ग्रंथों की रचना करते थे मंदिर निर्माण के कार्य में लगे हुए थे भिक्षाटन करते थे 64 माला जप करते थे कई सारे लोगों से मिलते थे। तो अर्जुन इस बात को नहीं समझ पाया था कि हमें आध्यात्मिक चेतना में स्थित होकर युद्ध करना है बिना अपने लाभ और हानि का विचार किए हुए यानी जब हम एक विशेष मानसिक अवस्था में कोई कर्म करते हैं जैसा कि भगवान ने 38वें श्लोक में कहा था सम सुखे दुखे सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय जुज्जस नैवं पापम वापससी। यदि तुम इस प्रकार समभाव की स्थिति में रहकर युद्ध करते हो तो ऐसा युद्ध करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। व्यक्ति पाप कर्मों को कब प्राप्त करता है जब आसक्त होकर कार्य करता है। तो अर्जुन इस बात को ठीक से न समझने के कारण भगवान के वचनों में ऐसे उसको मोहित होने जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो एक्शन इन रिनंसिएशन त्याग भी करना है लेकिन साथ ही साथ सक्रिय भी रहना है। पुराने लोगों की धारणा है कि अध्यात्मवादी बनना है यानी कि क्या करना कुछ नहीं करना बस खाना है और सोना है और कुछ माला कर लेंगे और फिर उठेंगे कुछ भिक्षाटन कर लेंगे बस हो गया आध्यात्मिक जीवन। लेकिन आध्यात्मिक जीवन व्यक्ति के लिए एक क्रांतिकारी कदम है जिसमें व्यक्ति को सभी के उत्थान के लिए घोर श्रम करने पड़ते हैं। तो अर्जुन इसे अभी विरोधाभासी देखने के कारण युद्ध को घोर कर्म कह रहा है। तो भगवान अगले श्लोक में उसका उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन संख्यानां कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा
ज्ञान योगे न संख्याना ज्ञान योगे न संख्याना कर्म योगे न योगिना कर्म योगे न योगिना। श्री भगवान ने कहा कि लोके अस्मिन, इस लोक में द्विविधा निष्ठा, दो प्रकार के निष्ठा। पूरा प्रोक्ता मयानघ, हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले ही बताया है कि इस संसार में, इस लोक में मनुष्य दो प्रकार के निष्ठाओं से युक्त होते हैं। ज्ञान योगे न संख्या नाम, एक होते हैं ज्ञान योगी, संख्या नाम यानी संख्यवादी या संख्य योगी, जो इसे पूरे जगत का विश्लेषण करते हैं, क्या पदार्थ है क्या पदार्थ नहीं है, तत्व मीमांसा, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है, ईश्वर क्या है, इस प्रकार की व्याख्या कर करके, विश्लेषण कर करके फिर आखिरी में इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हमें ईश्वर की शरण लेनी चाहिए। और दूसरे होते हैं कर्म योगे न योगी नाम, कुछ योगी हैं जो कर्म योगी होते हैं, संसार में प्रारंभ से ही सक्रिय होते हैं और भगवान की सेवा में युक्त होते हैं। यानी सांख्य योगी या ज्ञान योग के मार्ग पर चलने वाले उस वृक्ष के जड़ की तलाश करते हैं पहले, वो जड़ कहाँ है। और जो भक्ति योगी हैं या कर्म योगी हैं, वे उन्हें पता है कि जड़ कहाँ है, वो सीधे जड़ को पानी देना प्रारंभ करते हैं। तो दो प्रकार की निष्ठाओं से युक्त व्यक्ति हैं, ये दोनों में कौन ऊंचा है कौन नीचा है ये बात नहीं, बात इतनी सी है कि कौन किस व्यक्ति का किस कार्य में अधिकार है। कुछ लोग हैं जो कभी विचारवान होते हैं, यदि उन्हें आसानी से कुछ चीज़ें समझाई जाए वो नहीं समझते हैं, वो जटिल मार्ग अपनाते हैं, विश्लेषण करते हैं हर चीज़ का, तो ऐसे लोग ज्ञान मार्ग पे चलते हैं। जो लोग सौभाग्यवान हैं, सरल स्वभाव के हैं, वो भगवान में आस्था रखते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, अपने कर्मों का फल भगवान की सेवा के लिए त्याग देते हैं, तो ऐसे जो निष्ठा से युक्त हैं उनके लिए इस संसार में किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले ही बताया है कि इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा होती है, दो प्रकार की निष्ठा होती है, ज्ञान योगियों की निष्ठा तथा कर्म योगियों की निष्ठा। ते श्लोक दूसरे अध्याय के 39वें नंबर में भगवान ने कहा था, ऐसा ते भेता संख्य, कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, यानी कि 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक भगवान ने सांख्य योग के बारे में बताया था, आत्म विषय ज्ञान। फिर आगे 38वें श्लोक के बाद 53वें श्लोक तक भगवान ने बुद्धि योग के बारे में बताया। तो दो मार्ग हुआ, एक ज्ञान मार्ग और एक कर्म योग मार्ग, क्योंकि कर्मयोगी विशेष रूप से भक्त योगी बनने के लिए व्यक्ति को भगवत कृपा होनी चाहिए। कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सीधे सीधे भगवान की शरण ग्रहण करने वाला व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ है, पहले वो विश्लेषण करता है प्रकृति का। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यं पुरुषो अश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यं पुरुषो अश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। भगवान ने कहा न कर्मणा मनारंभान, यानी कर्मणाम अनारंभान, यानी ऐसा नहीं है अर्जुन कि कोई व्यक्ति यदि बस यह करे कि मैं किसी कार्य को नहीं करूंगा, मैं कोई कार्य आरंभ ही नहीं करूंगा, क्योंकि कर्म करने से बंधन होता है, तो मैं कोई कार्य नहीं करूंगा, बिल्कुल निष्क्रिय बैठ जाऊंगा। तो इससे नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते, इससे व्यक्ति नैष्कर्म्य यानी जन्म बंधन कर्म बंधन से मुक्त नहीं होता। जैसे मैंने दो उदाहरण दिया आपको पुलिस और डॉक्टर का,
ये चाहे सोच लें कि डॉक्टर के मैं कोई इलाज नहीं करूंगा, पुलिस सोच ले मैं कुछ नहीं करूंगा, बस मुक्त हो जाऊंगा, नहीं, कर्म नहीं करने से भी कुछ कर्म होता है। जैसे डॉक्टर ने कर्म तो नहीं किया लेकिन फिर भी वो फंस गया। आप कुछ नहीं करोगे लेकिन कुछ कर रहे हो, जैसे आप सांस ले रहे हो, भोजन तो करोगे और भी कई कर्म करोगे, आप विचार तो करोगे, मानसिक धरातल पे आप कार्य करोगे। तो भगवान कहते हैं कि ना कर्मणा मनारंभान नैष्क्रम्यम पुरुषो अश्नुते न च संन्यास ना देव, न ही संन्यास लेने से, यानी कि कर्मों को सर्वथा त्याग देने से ही सिद्धिम समधि गच्छति और न उससे सिद्धि प्राप्त होती है। तो न तो कर्मों से विमुख होने से सिद्धि मिलती है और न केवल कर्मों का त्याग करने से यानी कि गेरुआ वस्त्र पहन लेने से सिद्धि मिलती है। सिद्धि कैसे मिलती है? सिद्धि मिलती है अंतःकरण को शुद्ध करने से। इसका अनुवाद मेरे पीछे दो रहा है, मनुष्य न तो कर्मों से विमुख होकर कर्म बंधन से छुटकारा पा सकता है और न ही संन्यास लेने से यानी कर्मों के त्याग करने से सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए चेतना को शुद्ध करना होता है और चेतना को शुद्ध करने के लिए साधनाएं करनी पड़ती हैं। अकस्मात हठात किसी ने ऐसे भावावेश में आकर सब कुछ त्याग दिया और मंदिर में गेरुआ वस्त्र पहनकर बैठ गया, उससे सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। या किसी ने मौन व्रत साध लिया, मौन व्रत ऊपर से साध लिया लेकिन मन में गुना भाग चल रहा है संसार का, इससे सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। व्यक्ति को शुद्ध होना होगा। शुद्ध होने का क्या आशय है? उसे स्वयं का बोध होना चाहिए, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, मेरा स्वरूप क्या है, मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ किस लिए कर रहा हूँ। और सच्चाई तो यह है कि एक क्षण भी व्यक्ति बिना कार्य किए नहीं रह सकता है। तो इसी बात को भगवान अगले श्लोक में कहेंगे, नहीं कश्चित क्षण अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यति ही अवसह कर्म। यहाँ अर्जुन की जो धारणा थी कि युद्ध करने से घोर कर्म होगा, पाप कर्म होगा, भगवान ने कहा कि नहीं, तुम्हें कर्म करना होगा, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए संन्यास का मार्ग नहीं है, तो तुम अभी ये श्रेष्ठ होगा कि तुम कर्म योग का आश्रय लो और फल से अनासक्त हो, फल का त्याग करो। इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की।